मध्य प्रदेश में बगावत के आगे कांग्रेस झुक गई है। चार विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इन सीटों पर पार्टी की तरफ से तय किए गए उम्मीदवारों का लगातार विरोध हो रहा था और इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से नए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। वहीं अटकलें हैं कि कुछ सीटों पर कांग्रेस और भी उम्मीदवार बदल सकती है। देखिए, फिलहाल तो मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई प्रत्याशियों की सूची को कांग्रेस ने फिर से अपडेट करते हुए चार सीटों पर प्रत्याशियों को बदल दिया है। जिन सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बदले हैं उनमें सुमावली से अजय सिंह कुशवार को टिकट दिया गया है। पहले इनके स्थान पर कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया गया था। पिपरिया से वीरेंद्र बेलवंशी को टिकट दिया गया है। यहां से पहले गुरचरण खरे को टिकट दिया गया था। बड़नगर से मुरली मोरवाल को टिकट दिया गया है। यहां पहले राजेंद्र सिंह सोलंकी को कांग्रेस ने टिकट दिया था। जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। यहां पहले हिम्मत श्रीमाल उम्मीदवार बनाए गए थे। सुमावली में कांग्रेस को सबसे ज्यादा बगावत झेलनी पड़ रही थी। अजब सिंह कुशवाहा ने कुर्ता फाड़ते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो बीएसपी में शामिल हो गए। अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस के सिटिंग विधायक थे। उनके बगावत के बाद सुमावली में कांग्रेस की नींद उड़ गई थी। विरोध के स्वर को देखते हुए कांग्रेस को टिकट बदलने पड़े हैं और चार दिन पहले बीएसपी में गए अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया गया है। वहीं बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। उनके बेटे पर रेप का आरोप था। रेप केस की वजह से कांग्रेस पार्टी की बहुत फजीहत हुई थी। मुरली मोरवाल के बेटे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। कहा जाता है कि इसी वजह से मुरली का टिकट कटा था। उनके समर्थकों के विरोध के कारण पार्टी बैकफुट पर आ गई और फिर से मुरली को वडनगर से टिकट दिया गया। गौरतलब है कि कांग्रेस की दूसरी सूची में पार्टी ने तीन सीटों पर भी प्रत्याशियों को बदला था। पहली सूची में जो तीन प्रत्याशी घोषित किए गए थे उनके टिकट बदले गए थे। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती, गोटेगांव में शेखर चौधरी की जगह नर्मदा प्रसाद प्रजापति यथावत और पिछौर से शैलेंद्र सिंह का टिकट काटकर अरविंद सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया गया है। अब तक आपको बता दें, कांग्रेस सात सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। बावजूद इसके अभी भी शिवपुरी और अमला सीट पर पेच फंसा हुआ है। शिवपुरी में पार्टी ने केपी सिंह को टिकट दिया है। यहां भाजपा से कांग्रेस में आए वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट देने की चर्चा थी। वहीं केपी सिंह को टिकट मिलने के बाद से ही रघुवंशी समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। ऐसे में अटकलें हैं कि इस सीट पर भी पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल जिन सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बदले हैं इन सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने के बाद हर जगह पर विरोध हो रहे थे। बगावत की आग भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर तक पहुंच गई थी। ऐसे में पार्टी के सामने असहज करने वाली स्थिति थी। बड़े नेताओं को उनके समर्थक क्षेत्रों में घेर रहे थे, साथ ही पाला भी बदल रहे थे और ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल स्थिति थी। बढ़ते विरोध की वजह से कांग्रेस ने यूटर्न लिया और इसके बाद उम्मीदवार भी बदलने पड़े हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या बगावत के सामने झुक गई है, क्योंकि जिस तरीके से चार सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बदले हैं और उसके पहले तीन सीटों पर बदले गए थे उसके बाद यही सवाल। कल भी चल क्या रहा है में हमने आपको दिखाया था किस तरीके से कमलनाथ के घर के बाहर बाकायदा कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और सीधे तौर पर उनका यह कहना था कि यह पाठ इसलिए किया जा रहा है कि कमलनाथ को सद्बुद्धि आए और जिस तरह के प्रत्याशियों को चुना गया है या जिनको टिकट दिया गया है वो ठीक नहीं है तो उनको बदला जाए। ये तमाम सवाल उठ रहे थे और जब से टिकट अनाउंस हुए तब से ही कई जगहों पर विरोध देखने को मिल रहा था, लेकिन अब बैकफुट पर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हालाकमान नजर आ रहा है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये समझाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं इस वक्त, अरविंद तिवारी जी। सीधा उनका रुख करते हैं। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका amarujala.com पर। सबसे पहला सवाल सर मेरा यह है कि क्या वाकई बैकफुट पर आ गई है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हालाकमान, और ये जो हनुमान चालीसा का कल पाठ हुआ इसका भी कुछ असर हो गया क्या? देखिए आदर्श, ये तो नहीं कहा जा सकता है कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है, लेकिन जब ये जो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अभी टिकट चेंज किए गए, नए उम्मीदवार दिए गए, ये जब सूची में नाम आए थे तभी लोगों को लग रहा था कि आखिर ऐसा निर्णय कैसे हो सकता। जैसे सुमावली की बात करें हम, तो सुमावली में दो अजल सिंह कंसाना जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे, मंत्री कांग्रेस में रहते फिर इस्तीफा दिया था, पावरफुल लीडर माने जाते हैं वहां के और गुजर समाज के एक बड़े नेता है अजल सिंह कंसाना, मतलब उनको हराना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। अजब सिंह ने उस दौर में जब पूरी सरकार लग गई थी तब एदल सिंह कंसाना को हराया था। अब समझ में नहीं आया कि एदल सिंह का टिकट आखिर, अजब सिंह का टिकट आखिर क्यों बदला गया था, और टिकट बदलने के बाद वहां जो जनता का आक्रोश सामने आया और जिस तरीके से बीएसपी ने जो है अजब सिंह को हाथों हाथ दिया, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगा कि गलत निर्णय हुआ है। तो मुझे लगता है, मतलब ये जब टिकट घोषित हुआ था और जब कुलदीप सिकरवार को वहां से टिकट दिया गया था तभी सबको लग रहा था कि आखिर ये निर्णय हो कैसे गया, क्योंकि एक एक व्यक्ति जो 2020 में बाय इलेक्शन में जब सरकार पूरी लगी हुई थी, पूरी बीजेपी लगी हुई थी, उस स्थिति में चुनाव जीता, उसको आखिर आप किस आधार पे वो कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर हुआ था कि एक न्यायालयीन प्रकरण में एदल सिंह को सजा हुई थी
और उसके आधार पर, लेकिन बाद में उस पर स्टे हो गया था, उनकी विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने की बात भी चली थी, लेकिन जब स्टे हो गया तो वो पूरी प्रोसेस रुक गई थी। अब अपन जावरा की बात करते हैं। जावरा, मैं अभी जावरा से ही होते हुए मनासा जा रहा हूँ, कुछ देर पहले मैं जावरा में था। जावरा एक ऐसी सीट है जहां पर हमेशा राजपूत समाज से ताल्लुक रखने वाला उम्मीदवार हमेशा ज्यादातर मौकों पर जीता है, चाहे वो भारत सिंह जावरा हो, चाहे महेंद्र सिंह कालूखेड़ा हो, ये उम्मीदवार जीतता है। कमलनाथ का भी जो सर्वे था उसमें ये स्पष्ट था कि जावरा से किसी राजपूत को यदि टिकट दिया जाता है तो वो कांग्रेस के पक्ष में नतीजा देने में सफल होगा, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र पांडे एमएलए हैं जिनका ये पांचवा चुनाव रहेगा, 3 बार वो एमएलए रह चुके हैं, 2 चुनाव हारे हैं, मतलब ये उनका 6ठा चुनाव रहेगा राजेंद्र पांडे का। इनके पिता लक्ष्मीनारायण पांडे यहाँ से 2 बार एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने कैलाशनाथ काटजू जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एक जमाने में उनको चुनाव हराया था, तो यहाँ कोई आसान काम नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने हिम्मत सिंह चीमाल को टिकट दे दिया, जब टिकट दिया और उसके बाद की जो फीडबैक सामने आई तो लगा पार्टी को कि कहीं ना कहीं हुआ। दूसरा ये कि रतलाम से लेकर नीमच तक 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 5 रतलाम जिले की और मंदसौर और नीमच मिला के 7, 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इन 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी राजपूत को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसके कारण जावरा उम्मीद थी कि जावरा से दे देंगे, जावरा में टिकट नहीं, तो जावरा सुवासरा मंदसौर नीमच कई कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रभावित होने की स्थिति में थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो है मंदसौर से एक राजपूत को टिकट दिया, नीमच से एक राजपूत को टिकट दिया। इस इलाके में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं, पाटीदार एडजस्ट हो गए, वैश्य एडजस्ट हो गए, ब्राह्मण एडजस्ट हो गए, लेकिन किसी जो है राजपूत को टिकट नहीं मिला, तो पार्टी को अंततः पुनर्विचार करना पड़ा और आज ये टिकट बदला गया। बडनगर में मुरली मोरवाल का पार्टी ने टिकट बदला था, मुरली मोरवाल के स्थान पर राजेंद्र सिंह सोलंकी को दिया, लेकिन जो लोगों का आक्रोश सामने आया, हालांकि मुरली मोरवाल का को उम्मीदवारी से बाहर करने का कारण ये था कि उनके बेटे करण मोरवाल पर जो है यूथ कांग्रेस की ही एक लीडर ने गंभीर आरोप लगा रखे हैं, उनके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज है और मुरली मोरवाल का आरोप था कि उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अस्पताल के रिकॉर्ड में हेराफेरी कराई, विधायक रहते हुए अपने प्रभाव का उपयोग किया। इसलिए पार्टी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि मुरली मोरवाल को यदि टिकट देंगे तो एक नया इशू भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा, लेकिन जब मुरली मोरवाल को उम्मीदवारी से वंचित किया गया आदर्श, तो वहां की जो रिएक्शन आई, वहां के लोगों ने जिस तरह से भोपाल पहुंचकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, को लगा कि हाँ गलत निर्णय था। तो ये जो आज के एक और टिकट बदला गुरुचरण खरे का पिपरिया से, उन पर आरोप था, उनके बारे में कहा जा रहा था कि बाहरी व्यक्ति, हालांकि वो काफी सक्रिय थे, कांग्रेसी भी उनकी सक्रियता को मान रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी, चूंकि छिंदवाड़ा से लगी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है पिपरिया, इसलिए ये लगा कि कहीं ना कहीं ये यहाँ उम्मीदवार बदला जाना चाहिए, तो फिर वीरेंद्र बेलवंशी को टिकट दिया। तो देखिए ये मतलब हम बहुत सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे आ गई या कमलनाथ घबरा गए, ये नहीं, लेकिन पार्टी को ये रियलाइज हुआ कि इस दौर में जब एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, यदि उम्मीदवार के चयन में कोई हमसे गलती हुई और उसके कारण यदि कोई सीट हम खो रहे हैं, तो पार्टी ने उस निर्णय पर पुनर्विचार किया। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लगातार इंतजार हो रहा था कि लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम सामने आए, पूरा पितृपक्ष बीत गया, लगातार इस पर कयासबाजी हो रही थी कि आज आएगी, कल आएगी, नवरात्र के पहले दिन आएगी, नवरात्र के दूसरे दिन लिस्ट कांग्रेस पार्टी जारी करेगी। तो इतने होमवर्क के बाद और इतने बड़े बड़े थिंक टैंक टाइप के नेता हैं, उनके भारी भरकम उनका अनुभव है, उसके बाद जो ये लिस्ट आती है, फिर ये आंकने में कहाँ दिक्कत रह गई? क्योंकि अगर विरोध पार्टी का हो रहा है तो वो नुकसान भी तो कर रहा है ना, आजम सिंह को तो कोटा तक पढ़ना पड़ गया। कहीं ना कहीं आकलन में पार्टी से गड़बड़ी हुई। भाई जैसे मैं आपको जावरा की बात कर रहा हूँ, जावरा में एक सामान्य व्यक्ति को भी ये समीकरण मालूम है, कांग्रेस के नेताओं को भी ये समीकरण मालूम है, वहां जो पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं उनको भी समीकरण मालूम है। पार्टी जो जिन लोगों ने के जिस सर्वे के आधार पर पार्टी ने टिकट दिए, वो या तो कहीं ना कहीं उस सर्वे में चूक हुई, या जो पार्टी के नेता अलग अलग क्षेत्र के नेता, देखिए मध्य प्रदेश में तो क्षत्रपों से भी फीडबैक लेने की परंपरा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रॉपर फीडबैक इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेके लीडरशिप तक नहीं पहुंचा। इसीलिए जब उम्मीदवारी घोषित हुई उसके बाद का जो सीन बना, तो ऐसा लगा कि इसका बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश में उठाना पड़ सकता है। देखिए कांग्रेस की जो पहली लिस्ट मध्य प्रदेश में आई थी उसको लेके कहीं कोई बहुत असंतोष के स्वर नहीं थे, लेकिन दूसरी लिस्ट आने के बाद जिस तरीके के असंतोष के स्वर सामने आए तो ये लगने लगा कहीं ना कहीं, तो ये बिल्कुल इसमें मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं आकलन में चूक हुई है। यदि आकलन व्यवस्थित होता
तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। नहीं, एक चीज और, आकलन में चूक हुई वो तो ठीक है, लेकिन क्या यहाँ खींचतान भी, अंदरूनी खींचतान भी इसके पीछे की वजह हो सकती है क्या, कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, किसको काटना है? क्योंकि कई तरह की बयानबाजी पहले भी हमने देखी मध्य प्रदेश कांग्रेस में। मुझे नहीं लगता कि ये जो उम्मीदवारी में बदलाव हुआ है इसमें कहीं खींचतान जैसी बात। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि वीरेंद्र रघुवंशी कोलारस के एमएलए थे, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, उन्हें कांग्रेस से टिकट दिया जाना था शिवपुरी से, लेकिन शिवपुरी में ऐसा लगा, पार्टी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लीडर्स को चुनाव में उतारा था, तो ऐसा लग रहा था कि शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं, तो कांग्रेस ने वहां से केपी सिंह को उम्मीदवार बना दिया। अब केपी सिंह को उम्मीदवार बना दिया, यहाँ से कोलारस से ऑलरेडी बैजनाथ सिंह यादव उम्मीदवार घोषित हो गए थे, तो वीरेंद्र रघुवंशी उम्मीदवारी से वंचित हो गए, उनके समर्थकों ने हंगामा किया। तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ज्वाइंटली स्वीकारा कि नहीं, हमारा कमिटमेंट था वीरेंद्र रघुवंशी से, लेकिन ये स्थितियां निर्मित हुई कि चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के शिवपुरी से चुनाव लड़ने की संभावना थी, इसलिए हमको केपी सिंह जैसे कद्दावर लीडर को शिवपुरी लाना पड़ा, और इसी कारण हम वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं दे पाए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पार्टी के कंसिडरेशन में वीरेंद्र रघुवंशी हैं कि या तो केपी सिंह को वापस पिछोर भेजा जाएगा, जो भी है। लेकिन देखिए, आपसी खींचतान जैसी बात इसलिए नहीं लग रही है चारों सीट जहां के उम्मीदवार बदले। यहां कोई ऐसा नहीं था कि कमलनाथ के समर्थक का टिकट, कमलनाथ ने अपने समर्थक को टिकट दिला दिया था तो दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने नाराजी व्यक्त की, या फलानी जगह जावरा में मीनाक्षी नटराजन नाराज हो गई जो क्षेत्रीय बड़ी लीडर है। तो ऐसा सीन इन चार टिकटों में तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्या अभी तो और भी लिस्टें आनी है, नामों का और खुलासा होना है, क्या ये जो गलतियां हुई इनको सुधारा जाएगा? क्योंकि अब चुनाव बहुत दूर नहीं है और उम्मीदवार भी इस तक टकी लगाए बैठे हैं कि जल्दी से नाम सामने आए तो वो पूरी ताकत के साथ लग पाए। हालांकि बिना नाम आए भी ग्राउंड पर लोग लगे हुए हैं, लेकिन नाम सामने आए तो पूरी ताकत से लग पाए। और क्या आगे फिर ऐसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि अभी भी कई और सीटों पर विरोध हो रहा है अरविंद सर? देखिए आदर्श, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो तीन टिकट और बदलेंगे। एक तो निवाड़ी में अमित राय के स्थान पर रोशनी यादव को टिकट मिल सकता है, एक बड़ी खींचतान जो है शुजालपुर के टिकट के लेकर चल रही, जहां से रामवीर सिंह शिकरवार को उम्मीदवार बनाया गया, उन्होंने आज नामांकन भी दाखिल कर दिया, पिछला चुनाव भी वो लड़े थे, लेकिन वहां जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं योगेंद्र सिंह बंटी, उन्होंने कहा है कि वो 26 तारीख को निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे। तो एक वहां उस सीट को लेकर भी थोड़ा सा विवाद की स्थिति चल रही है। इसके अलावा शिवपुरी का मैंने आपको बताया, तो मुझे लगता है कि दो तीन सीट पर मध्य प्रदेश में टिकट में बदलाव हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा ना कि एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। यदि उम्मीदवार के का नाम सामने आने के बाद जो परिदृश्य उभर रहा है उसी से स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव नहीं जीत पाएगा, इसके इसकी खिलाफत ज्यादा है, या ये उतना भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार मैदान में आ गया उसके मुकाबले उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, तो लीडरशिप इस तरह के चेंजेस कर रहे, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में दो तीन सीट तो और बदलेंगे। एक एक जो आमला का मामला भी है, आमला की सीट को कांग्रेस ने आखिरी तक रोक के रखा वो निशा बांगरे के कारण, कि भाई निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तो उसे उम्मीद दे देंगे, लेकिन निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हुआ उसके कुछ ही घंटों पहले वहां से जो है मनोज मलावे को उम्मीदवार बना दिया, तो वहां उसको लेकर भी खींचतान चल रही है, वहां भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि चूंकि पार्टी का कमिटमेंट था, और निशा बांगरे आज बहुत एग्रेसिव रोल में सामने आई है, उन्होंने कहा कि भाई मैं कमलनाथ से मिलूंगी, उनसे पूछूंगी कि आप महिलाओं को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को तवज्जो दिए जाने को लेकर, तो आप मुझे लेकर क्या निर्णय ले रहे हैं? तो मुझे लगता है ये दो तीन सीटें मध्य प्रदेश में जो है ये बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अरविंद जी इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से टिकटों को बदला गया है उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे थे और अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और पूरी जानकारी दे रहे थे कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बन रही है, खासकर कांग्रेस पार्टी में टिकट बदलने के पीछे सोच क्या है, वजह क्या है, इस पर वो जानकारी दे रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।